तो हम कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री। एशियंट में हिस्ट्री में जो है हमारा कौन सा टॉपिक है, इंडिया फ्रॉम 200 BC से 300 AD तक का, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का समय। इसमें जो है हमने सातवन पढ़ लिए हैं, साउथ इंडिया के बारे में पढ़ लिया है। अब जो है हम किसके बारे में बात करेंगे, अब करेंगे हम नॉर्थ इंडिया के बारे में, नॉर्थ उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं महाजनपद, उसके बाद मगध साम्राज्य, तो सिकंदर के समय की हम बात करते हैं, 300 300 कितना, 326 BC की। तो सिकंदर जो थे, सिकंदर है ना, उन्होंने भारत पे हमला किया था, तो वो कब आए थे, 326 BC में। उस समय पे जो है अगर बात करें तो नंदवंश था, ठीक है, नंदवंश था जो मगध पे राज करता था। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्यन, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो किसका, नंदवंश का पतन किया और मौर्य वंश की नींव रखी। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सिकंदर के बारे में भी हमने उसमें सब कुछ कर लिया है। तो 326 BC में जो है सिकंदर ने जो है भारत पे हमला किया, ठीक है, और भारत तो में उसके बाद जो है वापस गए इसी समय में, है ना। तो वो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, कैसे कैसे वो मतलब कि यहाँ से जो छोड़ के गए, और लेकिन जो वो वापस गए, ठीक है, तो उन्होंने जो है भारत में और भारत के जो सरहदी प्रदेश थे, ठीक है, वहां पे जो है उन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए। क्या करते हैं सिकंदर, सिकंदर तो सिकंदर जो है मतलब इंडिया और इसके जो बाउंड्रीज के आसपास, जो आसपास देश लग रहे हैं, इंडिया के आसपास जो देश लग रहे हैं वहां पे भी अपने क्या गवर्नर नियुक्त कर गए, ठीक है, गवर्नर जो है वो नियुक्त कर देते इंडिया और इसके आसपास वाले क्षेत्र, क्लियर है। तो अब जो था मतलब कर तो गए, ठीक है, नियुक्त कर गए, इनमें से इन्हें जो है अब क्या कहा जाने लगा, इंडो ग्रीक कहा जाने लगा। ये किस नाम से जो है इन्हें ये प्रसिद्ध हुए, तो इन्हें इन्हें जो है क्या कहा जाता था, इंडो ग्रीक। तो इन्हें अब क्या कहा जाता था, इंडो ग्रीक, क्लियर, ओके। तो इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता था सरहदी क्षेत्रों में जिन्हें करके, और इन्हें जो है इंडो ग्रीक के नाम से जो है जाना जाने लगा। और मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ जब, तो मतलब जब मौर्य साम्राज्य, तब तो ये कुछ नहीं कर पाए इस राज्य में, क्योंकि अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार बेशक हैं, और उसके बाद जो है उनके बेटे अशोक महान जो है मौर्य साम्राज्य को जो है उन्होंने बहुत जो है उसका विस्तार किया, एक शक्तिशाली राज्य बनाया और दुनिया के राज्यों में जो है उनका नाम जो है आता है, ठीक है, ओके। तो मतलब के बहुत शक्तिशाली राजा थे, तब तो किसी ने मतलब के मगध की तरफ, इंडिया की तरफ आग उठा के नहीं देखा कि हम जो है इस पे हमला करें या नहीं, ठीक है, क्योंकि सेल्फिश निकेटर जो थे उस समय थे, है ना, तो उन्होंने किया था। तो लेकिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हरा दिया था, ठीक है, और उसके बाद जो है उनकी बेटी से शादी कर ली थी। तो अब जो था कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी कि मतलब कि जो गवर्नर वो नियुक्त कर गए थे वो भारत पे हमला कर सके, तो अशोक महान थे। लेकिन जब अशोक महान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, तो क्या हुआ, तो इन जो जो ये इंडो ग्रीक थे जो गवर्नर नियुक्त किए थे, अब जो है यहाँ पे इन्होंने हमला करना शुरू कर दिए। तो उनमें से थे कौन थे, इनमें से मौर्य साम्राज्य के पतन, तो डिमटीरियस, ठीक है, डिमटीरियस, 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 ठीक है, डिमटीरियस जो थे उन्होंने जो है भारत पे सबसे पहले हमला किया। तो ये इंडो ग्रीक जो थे
यूनानी थे, ठीक है, यूनानी थे जिन्होंने भारत पे हमला किया। और ये मतलब उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे भारत पे अधिकार करने की कोशिश, लेकिन जो है उसके बाद एक जो है और थे महेंद्र मिनेंद्र, ठीक है, मिनेंद्र। तो मिनेंद्र जो है ये एक प्रसिद्ध यूनानी थे जिन्होंने भारत पे हमला किया। और यहाँ पे जो है पशुमित्र शुंग, यानी कि इन्होंने जो है किस वंश पे, किस डायनेस्टी पे, शुंग शुंग शुंग, ठीक है, रुको। तो इन्होंने जो है शुंग शुंगा जो डायनेस्टी है उस पे हमला करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, कौन, मिनेंद्र, ठीक है। तो इन्होंने जो है यहाँ पे शुंगा को, शुंगा के कौन से राजा थे, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र, ठीक है, तो पुष्यमित्र को हराया। और यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है इन्होंने इन्हें हराया, इसके साथ जो है जो आजकल का पाकिस्तान है उस पे जो है इन्होंने अधिकार किया, और कश्मीर पे, ठीक है, इन्होंने जो है इंडिया पे और इसी के साथ जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और साथ ही प्लस इन्होंने जो है कश्मीर, कश्मीर के बहुत सारे जो है क्षेत्र पे जो है अधिकार किया मिनेंद्र ने, ठीक है। और इसके बाद जो है ये बहुत प्रसिद्ध हुए। और बुद्ध साहित्य में, यानी कि जो बुद्धिज्म का जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उसमें ये राजा मलिंद के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए, ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध हुए, मलिंद, मलिंद, ठीक है, तो मलिंद नाम से ये प्रसिद्ध हुए, कौन, मिनेंद्र, क्लियर है, ओके। तो इन्होंने उसके बाद जो है बुद्ध धर्म को अपनाया भी लिया, इन्होंने जो है बुद्ध धर्म को भी अपनाया था, ठीक है, मिलिंद ने, क्लियर, ओके।